हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं कुछ मीठा। मीठे में हम बना रहे हैं साबूदाना और फूल मखाने की खीर। इसमें लगेगी एक कटोरी फूल मखाना और एक छोटी कड़छी साबूदाना। साबूदाना को अच्छे से दो पानी धो करके 5 घंटे पहले पानी में भिगा कर रख दीजिए। और लगेगा हमें 1 केजी दूध, और दूध हमने पहले से ही गैस पे चढ़ा दिया था और अच्छा पक के दूध गाढ़ा हो गया है। और उसमें हम डाल दे रहे हैं भीगा हुआ साबूदाना जो हमने पहले से भिगा के रखा था, और उसका पूरा पानी निकाल के दूध में डाल दिया है। और उसको धीमे धीमे आंच पर पकने दीजिए। और इसको हम दूसरी साइड गैस पे कर दे रहे हैं। और उधर हमने ले लिया है गैस पे पैन, पैन में डाल दिया है 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद उसमें डाल दिए हमने कटे हुए 8-10 बादाम, और इनको थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम डाल दिए थोड़े से काजू, थोड़ा अच्छे से ड्राई रोस्ट होने के बाद उसमें डाल दे रहे हैं हम किशमिश। और किशमिश बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाती है गाइस, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते रहना। और इसको हम निकाल दे रहे हैं, ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। और फिर हम उसी घी में पैन में डाल रहे हैं फूल मखाने। फूल मखाने को भी अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, एकदम कड़क हो जाने चाहिए जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएं अच्छे से। फूल मखाने हमारे ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसमें से हम थोड़े मखाने निकाल दे रहे हैं अलग से, वो हम बाद में इसमें डालेंगे। ये साबुत मखाने हम पहले डाल दे रहे हैं, इनको दूध में अच्छे से पक जाएंगे बढ़िया से, इनको अच्छे से पकने देना है गाइस, खीर हमारी बहुत अच्छी बनेगी। जो हमने अलग से फूल मखाने निकाल के रखे थे उनको हम मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसी खीर में थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिक्स कर देंगे। गाइस एक बार एक साथ पाउडर नहीं डालना पूरा, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो गांठें पड़ सकती हैं। और खीर हमारी इसी से अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और इसको थोड़ा देर पकने देना है, बढ़िया से स्वादिष्ट बनती है खीर गाइस, देखना बनाना आप भी और बना कर खाना अच्छे से। और मेरे को भी कमेंट करके बताना आपकी खीर कैसी बनी है। इसमें हमने डाल दिया थोड़ा ड्राई फ्रूट, और बाकी का हमने थोड़ा सा गार्निश करने के लिए बचा लिया है। और खीर हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम डाल दे रहे हैं इसमें 2 चम्मच चीनी के। चीनी एकदम लास्ट में डालनी है, मीठा आप अपनी पसंद से जितना चाहे डाल सकते हो। और खीर हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, आप बनाइए खाइए गाइस। इसको ठंडा करके खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए गाइस, और इंजॉय कीजिए। थैंक यू।